हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं फ्रेंड्स, खामोशी आंखों से जब बात होती है, खामोशी आंखों से जब बात होती है, इस कदर मोहब्बत की स्टार्ट होती है। हम तो यूं ही आपकी यादों में खो जाते हैं, हम तो यूं ही आपकी यादों में खो जाते हैं, पता नहीं चलता है कब सुबह और कब शाम होती है। आइए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हम अपने लाइफ में अक्सर ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, बस अब बचा क्या है, क्या बस अब बचा क्या है। उसके बाद ये भी कहते हैं, बस यही सुनना बाकी था, बस यही करना बाकी था, इतना तो हो ही गया ना, बस यही देखना बाकी था। बाकी मतलब करने के क्या भाव है ना, जो बस जो उम्मीद नहीं किए थे ना, वो चीज अब दिखाई देता है। या आप एक सेंसर भी आता है, इतना हो गया है, ये अब बाकी है। दोनों सेंसेस का यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं, छोटा सा वर्ड है, बस यही बाकी, दैट ऑल लेफ्ट, दैट ऑल लेफ्ट। आइए इसको जब हम बढ़ाएंगे, बस यही सुनना बाकी था, सेंटेंस बनाना कैसे है, बस यही, कहीं सब जानते क्या होता है, बस यही बाकी, बस यहाँ दिया हुआ है, बस यही बाकी, इसे डेट ऑल गिफ्ट, डेट ऑल गिफ्ट पहले वो दे देंगे। उसके बाद बात आती है सुनना, सुनना किस क्या होगा, डेट ऑल गिफ्ट यहाँ दे दिए कि बाकी जैसे गिफ्ट हो गया, सुनना किस क्या टू हियर। अब बात जैसे वाज कैसे यहाँ पे आता है, वाज इसलिए आता है कि प्रेजेंट टेंस का होगा सेंटेंस, तो वहां पे इज देंगे, पास्ट में वहां पे क्या होगा आपको वाज आ जाएगा। यहाँ पे था, थे, थी, पास्ट की पहचान होती है, था यहाँ पे क्या आपको वाज दे देंगे। तो डेट वाज इसे क्या दिया, डेट वाज, डेट के बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, चाहे वो इज आए या तो वाज आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, जो डेट असल फॉर्म में होती है, एक वचन होता है। तो that was all left, सुनना है to hear। नहीं सकते से बस यही करना बाकी है, बहुत आसान है भी। That है तो यहाँ पर that is दे देंगे, that is all left, all left करना है to say, that is all left to say। Next sentence, बस यही सीखना बाकी है, that is है, that is all left to learn। नेक्स्ट है, बस यही पढ़ना बाकी था, दैट वाज ऑल लेफ्ट, दैट वाज ऑल लेफ्ट टू टीच। नेक्स्ट है, बस यही देखना बाकी है, दैट इज ऑल लेफ्ट टू सी। नेक्स्ट आप सेंटेंस दिए हैं, बस यही लिखना बाकी है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, इसको आप खुद बनाएंगे ताकि मैं भी समझ सकूं, जान पाऊं कि आप लोग वीडियो को सही तरीके से देखते हैं और इससे कुछ सीखते भी हैं। इसको कमेंट बॉक्स में आप उसको बना के प्लीज 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 इसको कमेंट में आप बताइए हमको, इससे रिस्क क्या होगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, प्लीज अपना यूट्यूब चैनल है ना इंग्लिश दिनकर सर, है ना, उसको एक बार सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिएगा, है ना। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, एनर्जी और डबल हो जाती है, ऐसा फील होता है ना, मुझे भी कोई देखने वाला है, है ना। तो माय फ्रेंड्स, आपसे मस्ट रिक्वेस्ट, हार्डली रिक्वेस्ट है, जो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कैसा लगता है कुछ कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, इतना तो हक बनता है। और आप ये देंगे ना, आप पे उसमें कुछ होता नहीं है, मुझे बहुत कुछ होता है उससे, है ना, कल होगा तो हो गया, है ना, एनर्जी आएगा और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको पेश करेंगे, नए नए अंदाज आपकी खिदमत में पेश करेंगे, है ना। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।